السلام عليكم اللهم بارك لقد صلي على رسول الكريم हम लोग पढ़ना भूल गए गालिबन। हमको सबसे पहले सिखाया जाता है बात करने से पहले सलाम किया करो। अब हम लोग ही सलाम का जवाब नहीं दे रहे तो हमारी औलादा कहाँ से देंगे। हम लोग जवाब देना सीखो, मुंह में निभाने में रहते हो। अल्लाह के तरफ से हमारे को सलाम की दुआ मिल रही है, कोई दे रहा आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो आप सामने वाले को भी दुआ दिया करो। ऐसा दिखता है यहाँ सिर्फ सलाम लेना जानते, देना नहीं जानते। और सलाम क्या है? दुआ है। अपनी औलादों को भी दुआ सिखाओ। माँ बाप को अगर वो सलाम करे तो माँ बाप की उम्र बढ़ेगी, और माँ बाप अगर बच्चे को जवाब देंगे तो बच्चे की भी उम्र बढ़ेगी। ऐसे मोहतरम गुफ्तगु का आवाज कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले स्टेप में आप फेल हो। हयात मगर हयात कितनी है माशाल्लाह तवील है, मगर जवाब देने में पीछे रहने से ज़रा स्पीड मेरी कम है। मगर हजरत पकड़ के लाए हैं तो कुछ बोलने पड़ेंगे, ऐसी तो नहीं जा सकते है ना। और फिर हमारे मौलाना ने आज के उन्वान पर मुझे और आपको ललकारा है और बता रहे हैं कि आज आपका मुकाम क्या है, आप थे क्या, हो गए क्या, आज आपका मुकाम क्या था, आपने अपने मुकाम को कितना नीचे कर लिया। याद रखो आज भी अगर आपको अपना मुकाम बनाना है तो जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना है वहीं अपने घरों में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बातों पर अपनी औलाद को अमल करना सिखाना है। मेरे अजीज दोस्तों, आज सबसे मुसीबत की बात यह है कि बाबा बड़े आलिम रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, मस्जिद के सदर साहब भी रहते हैं, मगर घर में देखे तो सदर साहब का घर नहीं दिखता, बल्कि ऐसा करना ना आता कि सदर साहब के चौकीदार का भी नहीं दिखता। क्या वजह है? वजह क्या है? हम लोगों ने अपने मुकाम को लोगों के सामने रखा, अपने घरों में अपने बच्चों को तरबियत दे दी जैसे तरबियत देना चाहिए। और ये मदद से आज जो आपके कायम करता है, ये मदद से आपकी औलाद को हीरा बनाते हैं। याद रखिए, जो आप बच्चे को ये समझते हैं कि ये बच्चा मेरे लिए कोई काम का नहीं है, आज वो बच्चा जब यहाँ आता है तो वही आपके काम का बनता है, दुनिया के लिहाज से भी और आप मरने के बाद। दुनिया के लिहाज से इस लिहाज से काम आता है कि जब कभी आप को जो जरूरत हो उसकी तकमील करता है, आपकी खिदमत करता है, क्योंकि उस्तादों ने उसको सिखाया है खिदमत माँ बाप की करने से ही तेरे मर्तबों में इजाफा होता है। और फिर आपके मरने के बाद आपकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा सकता। अक्सर गूंगे तो ऐसे है माशाल्लाह जनाजे की नमाज तो 90% लोग नहीं पढ़ते। कितने लोगों को जनाजे की नमाज याद है, दुआ याद है, हाथ उठाओ बोले तो उठा सकेंगे, अपन तथा दिल में झांकियों में उठाओ बोला तो उठाएंगे। हम मामूली जनाजे की दुआ याद नहीं है हमारे को, तो बताओ कि हम अपने बुजुर्गों की मगफरत की दुआ कैसे करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की मगफरत के लिए क्या कहेंगे, अल्लाह के सामने क्या अर्ज करेंगे। अब अक्सर ये देखा गया है, तशरीफ ला रहे हैं साहबजादे, तशरीफ ला रहे हैं, मैं हजरत को नहीं देखा मुसाफिर के लिए कि मैं आ रहा हूँ, मगर हजरत को कहीं देखा हूँ, मगर मुलाकात का शब्द इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह बोला करो। याद रखो इंशाल्लाह के मानी है
फिर आने के लिए अपना इंशाल्लाह अलग है। कल मिलता हूँ बोलते जो इंशाल्लाह बोलते हैं बोला ऐसा साफ झूठ बोलता है मुसलमान। मुसलमानों से आजकल लोग बोल रहे हैं नहीं इंशाल्लाह बोले तो यकीन मत करो। हम लोगों की इतनी हमारा मुकाम हमने गिरा लिया है। देखो तो मेरे ऐसे दोस्तों में आज का रहा था कि आज आपकी औलाद हमारे लिए अगर जनाजे की नमाज में छेड़ती है मुझे अफसोस होता है कि आधे लोग आसमान पे देख के नीचे मुंडी चल रहे क्या देखते समझ में नहीं आने का। अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधते फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर बोल तो पढ़ दे क्या मोता किसके ऊपर क्या दे जाएंगे क्या देख रहे हैं आखिर क्या मुर्दे के कुछ आशा नजर आ रहे ऊपर जाते हुए। आप मेरे ऊपर देख लो कैसा रहता मेरे अजीज दोस्त अपनी औलादों को दुआएं याद दिलाओ। मुझे बहुत अफसोस होता है माँ बाप के लिए मकरत की दुआ जितना बेटा दर्द के साथ कर सकता है कोई नहीं करता याद मगर बेटा भी आजकल का है। आजकल के साहब राजा तो अम्मा बाबा का एहतराम भी इसने मान अम्मा बाबा उनको एहतराम सिखाई इसने। आज हमारी औलादों को जो जो बर्बादियां हो रहे हैं अभी मौलाना ने कहा ना हर चौरस्ते पे हर चबूतरा माशाल्लाह हमारा आबाद है मगर कब तक पुलिस वाले भी शुक्र अदा कर रहे हैं हमारे को नाइट ड्यूटी बजरी बोली माला कई की वजह होकर भाई लेके लोग नाइट ड्यूटी से फ्री हो गए हम लोग बोले भाई माला नहीं नाइट ड्यूटी खत्म होती मगर सुबह में अगर इमाम साहब अजाब दे दिए बोलती ना बोलता नमाज का वक्त हो गया अंदर जाके सोने का वक्त शुरू हो गया। ये चंद चीजें मैं बात कह रहा हूँ अगरचे के नाकवार गुजरिन गया मगर ये चीज़ों पर पहले ख्याल रखें। दूसरी गुजारिश ये है कि आज के दौर में आपको और मुझे अपने महलों में भी ये कोशिश करना है कि अपने भाइयों से अपने को जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करना है। आज का दौर हम अखा के हमारे को नफरतों में डाल रहे हैं एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौक़ों पे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात उनको बताइए कि एक काफिर के साथ मेरा सरकार का क्या सलूक था एक गरीब के साथ क्या सलूक था एक ना अल्लाह को ना मानने वाले के लिए भी अल्लाह के दिल में रसूल के दिल में कैसी उसके साथ ताज़ीम थी। आज ये वाक़यात को उनके सामने रखना है और उनको रखने के लिए सबसे पहले वाक़यात को आप भी जानना है। अगर आप ही नहीं जानेंगे तो औलाद बचाएंगे क्या सामने वाले। इसलिए इस सिलसिले में भी आप कोशिश कीजिए कि अपना वक्त निकाल कर उलमाए किराम के पास बैठे और सुने। याद रखिए जुमे को इतना जल्दी आते हम लोग माशाल्लाह इमाम साहब सलाम फेरते वक्त दाखिल होते या अरबी खुतबे के वक्त दाखिल होते और इमाम साहब सलाम फेरते जूते लेके गए हो जाते। ऐसी हैरत होती ऐसी क्या मसरूफियत है कि नमाज के लिए भी वक्त नहीं निकल रहा हमारे पास। अज़ीज़ाने मोहतरम ये दूसरी नसीहत है और तीसरी नसीहत ये है कि खुदारा नमाज की पाबंदी कर। याद रखो मौजूदा हालात आपको अजाने आवाज़ देकर बुला रही है कि आओ अल्लाह के घरों को आबाद रखो। आप घरों को आबाद में रखने की वजह से कई लोगों को इस बात की शिकायत है कि मस्जिद है मस्जिद में जैसे लोग होना चाहिए नहीं या तो मस्जिद वीरान हो रहे हैं। ऐसे मुकामात पर मस्जिदें हैं माशाल्लाह देखने के बाद ताज्जुब होता कि लोगों ने मस्जिद तो बना दिया लेकिन मस्जिद में पढ़ने वालों को लाने का उनके हाथ में नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मस्जिद को अपने औलाद को साथ देकर जाइए खुद भी नमाज पढ़िए बच्चों को भी नमाज पढ़ाइए। याद रखिए अगर आपका बच्चा नमाज पढ़ता है तो शायद आपके बच्चे की नमाज की वजह से आपको अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमा दे आपकी नमाज को अल्लाह कबूल कर ले। इस पे भी अपनी तवज्जो जरूर दीजिए। ये तीन बातों के साथ साथ अब महल्ले पे कुछ आता हूँ। अब हमारे मौसूफ माशाल्लाह या मदरसा चला रहे हैं सुबह हिंद है ना जरा भी है
अब ये बच्चों का मदरसा भी है, बड़ों का भी रखे हैं, तालीम तालिबान भी है, तालीम तालिबान मालूम है ना, बालिग बच्चों के लिए। आप लोग बालिग तो हो गए होंगे मेरे ख्याल में, जरा आके कुरान सीख लो विश्वास से कि कुरान सीखने में फायदा ये है मालूम आप कि कुरान पढ़ते रहेंगे ना आपके नेकियां रोज बरोज अल्लाह के पास इजाफा होंगे और आपकी मफरत के जरिए बनते जाएंगे। आज हमारे पास सबसे महफूज अगर कोई चीज रहती है तो कुरान पाक है। उन्हें पूछती कब उतरू, बोले तो आप बोलते अभी नब उतरू, उतरू बोले नहीं उतरना, कब उतरू मैं कोई मरे तो उतारते हैं फिर। हम लोगों के पास कुरान कब उतरती, यासीन के पारे मस्जिद से आते, वो यासीन भी कैसा पढ़ लेते समझ में नहीं आने, मगर कहीं भी जाओ मुझे एक बात का तो एहसास हुआ, मस्जिद में मैं जाता हूँ तो सबसे पहले जहाँ पुराने पाक के जहाँ डब्बे रहते हैं उसके अतराफ में चक्कर लगाता हूँ मैं, मगर अफसोस ये होता है मुझे सिर्फ यासीन के पास जो माँ रहते हैं पारे और यासीन के जो किताबें रहती है वो छोटी छोटी जो पारे बना के रखती हैं उसी के पास गलत रह रहती, बाकी पूरी जगह गलत है। मालूम जो है जब मस्जिद में आते हैं तो सिर्फ यासीन पढ़ने आते हैं और यासीन विश्वास से पढ़ते बाद में कोई पढ़ता कि नहीं कि अपन ही पढ़ लेके निकल जाओ है। आज हम लोगों के पास हर चीज अपने वास्ते कर रहे हैं, अपन लोगों के लिए नहीं। मेरे रसूल ये फरमाए तुम लोगों के लिए जियो और हम अपने लिए जी रहे हैं। मैं मेरा घर मेरा वतन मेरा शहर मेरा ये तुम मेरा, फिर तुम किसके है बाबा, तुम भी तो किसी के है ना, तुम अल्लाह के हैं, अल्लाह ने आपको मुझे पैदा किया क्यों, हमारा मकसद पैदा करने का अल्लाह का क्या है। आज हम अल्लाह जो ने पैदा किया उसके मकसद को हम भूल गए। अल्लाह ने आपको कमाने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको सूट बूट पहनने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने आपको पैदा किया अपनी इताअत और फरमानबरदारी की। आज हम क्या करते हैं, दुनिया की पूरी बातें करते हैं, दुनिया की पूरी सैर करते हैं, लेकिन अफसोस अल्लाह के सामने झुकने को पसंद नहीं करते, अल्लाह की कोई बात सुनना पसंद नहीं करते, अल्लाह की कोई बात घरों में सुनाना पसंद नहीं करते। आज वक्त आवाज दे रहा है और ये आवाज ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। याद रखो जो वक्त मिला है उसकी कदर कर लो और जो वक्त में अल्लाह ने हमको मौका दिया है जब तक सांसें दी है अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के सामने सर को झुकाओ, अल्लाह को मनाओ। याद रखिए जब आप अल्लाह को मनाते हैं ना अल्लाह गुनाहगारों को भी बहुत सुनता है, गुनाहगारों की भी बहुत अल्लाह तबारक व तआला फरियाद को सुनता है। चुनाचे मूसा अलैहि सलाम से पूछा गया, मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से पूछा है मेरे मौला ये तो फरमाइए नेक आदमी पुकारा तो आप कितने बार जवाब देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो अल्लाह तबारक ने फरमाया मूसा जब कोई नेक आदमी मुझे पुकारता है तो मैं एक बार जवाब देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रसूलल्लाह ऐ मेरे अल्लाह अगर गुनाहगार पुकारता तो कैसा, आपने फरमाया मैं उसको तीन बार जवाब देता हूँ। कहा मेरे मौला नेक आदमी को एक बार जवाब, गुनाहगार को तीन बार जवाब। कहा मूसा नेक आदमी जो रहता है उसको अपने नेकियों पे भरम रहता है, अपने नेकियों पे यकीन रहता है, इस बात से वो ये रहता है कि मुझे अल्लाह ऐसे भी अमल की वजह से पकड़ देगा, लेकिन गुनाहगार के पास कोई अमल नहीं रहता इसलिए उसके नेकियों को इजाफा करने के लिए मैं उसको सलाम के जवाब देता, उसके भुगतने पर जवाब देता। मेरे अजीज दोस्तों आज हमारे मौला तो सुनने तैयार है, हम हाथ उठाने तैयार नहीं है, ऐसी मजबूरी हमारी। इमाम साहब की दुआ कर रहे तो ऐसी मजबूरी को उठाते हाथ और फिर इमाम साहब अभी दुआ करते रहते नहीं तो दुआ पे आमीन बोल देते, जिधर अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हो गए आमीन 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 कहता आमीन बोल रहे बाबा अल्लाह हम लोग बड़े छोटे हो गए और बोला आमीन 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 किसपे बोले बाबा तुम। इमाम साहब ये बोलना चाहते कि अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हो गए हमको हिदायत अता फरमा, अब दुआ मुकम्मल हुई, हम दुआ में भी क्या करते जल्दबाजी आमीन 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 अरे कहता आमीन बोल रहा बाबा।
आमीन के माने समझो, पहले दुआ क्या हो रही है सोचो, उन अल्फाज क्या अदा कर रहे हैं उस पर गौर करो, उसके बाद उस पर अमल करो। जब हम ये दुआ पर आमीन कहेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह आपके आमीन को भी कबूल फरमाएगा। आज हमारे को जरूरत है कि हमारे घरों में इस्लाह माशरा का काम है, आज हमारे घरों में ये जरूरत है अपने घरों में अपने महलों में एक अमीर बनाए, जैसा हमारे मौलाना ने फरमाया था ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वलील अम्री मिनकुम, जैसा फरमाया गया अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, फिर तुम में जो अमीर है उसकी इताअत करो। अपने महलों में भी एक तू अपना बड़ा बना लेना, अपना बड़ा बना के उसके मशवरे से काम करना, उसके मशवरे से काम करते ही अपनी जिंदगी को गुजारना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कहीं सफर कर रहे हैं, अगर तुम अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो उसमें भी एक अमीर को चुन लो। आज हम लोग अमीर बोले तो क्या होता पूछते, अपने को कौंसलर ही मालूम ना, और क्या मालूम, कौंसलर MLA क्या है उसके पास, और क्या होता MP, और बाकी उसके नीचे क्या तो कुछ आता नहीं आता, मस्जिद के अतराफ में जितने घर है ना, उसमें भी एक अमीर बनाओ, अपने अमीर की दाद करो और अपने अमीर की बात पर मानो, और मान कर चलने में फायदा क्या है मियां, कोई एक के हाथ में डोर दिए तो आपके घर पे दस्तक देती है, अच्छाई और बुराई की तरफ आपको बताता कि आपके घर में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। आज हम लोग किसी को अपना बना बड़ा बनाना नहीं चाहते, जो कुछ हो मैं हूँ कहना ना पी है, लेकिन अपने घरों की सलाह करना है तो सबसे पहले अपन खुद संवरना होगा, अपन खुद अच्छे बनना होगा, अपन खुद अल्लाह की इताअत करने वाले बनना होगा, अपन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना होगा। जब हम अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करेंगे तो फिर हमारी बात पर भी लोग अमल करेंगे। आज हम अल्लाह को नाराज कर देंगे ये उम्मीद रखते हैं अल्लाह हमारी सुन लेगा, आप अल्लाह की सुनेंगे तो अल्लाह आपकी भी सुनेगा। आज हमारे को ये सोच लेना चाहिए कि हमारे अमल में कौन से ऐसे अमल हैं जो हमको अल्लाह से दूर कर रहे हैं, उसकी आप अपने अंदाज से अपने अंदर घर में अपने खारिज में अपने दोस्तों में देखिए कौन सा अमल है जो हमको अल्लाह से दूर कर रहा है। वो अमल को अपन अपने घरों में अगर हो रहा है तो उसको अपने बच्चों को समझाइए। आजकल जो कर रहे हैं नशे के चीज़ा इस्तेमाल, बेरहमी का शिकार, TV चल रहा, मोबाइलों पर क्या क्या की देख ले रहे हैं, और देख देख के ऐसे मरद बन के निकल रहे हैं शादी के बाद फेल हो जाते। एक साहब बोले मौलाना मेरा बेटा घोड़ा चला घोड़े पे चढ़ गया, बोला घोड़े पे चल गया अच्छा है, घोड़े की दौलत की खाने से पहले घोड़े का तेल भी कर लो। आज हमारे को अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं थोड़ा खुला खुला बोल रहा हूँ, आज आपके लिए से मेरे पास 3 केस हैं, हयात नगर से लेते भैरवी नगर तक, और 3 के केसों में अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है के बच्चों को नाकारा बता दिया गया है उसमें, और ये वजह क्या है नाकारा होने की, सबसे भी जो वजह है बड़ी वजह जो है वो अल्लाह से दूरी है। हमको अगर मालूम हो जाए कि हमारे अमल से कौन से हमारे अमल जो हमको कमजोर करते हैं, याद रखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया थोड़ा भूसो होने से पहले उसको लगाम दे दो। अब हमारा नौजवान पूरे दाता तोड़ा उसके बाद अम्मा लगाम देने जा रहे, बाबा लगाम देने जा रहे, टिकती है अपा टिकेंगे लगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है बच्चा बालिग हो जाए या बच्ची बालिग हो जाए तो उनकी विदाई कर दो, इससे पहले कि वो कोई घर में और एक नई बात आ जाए। अपने औलाद को सही वक्तों में शादी करो और सही वक्तों पर उनके मोबाइलों को भी चेक किया करो। हमारे पास मोबाइलों पर माँ बाप की नज़र नहीं है। आजकल मैं बारहा लोगों को कह रहा हूँ मोबाइलों को बच्चों के देखो कि किससे बात क्या कहते हैं चैटिंग कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ये नज़र माँ बाप की रखना ज़रूरी है। और ये नज़र रखने के बाद इंशाअल्लाह आपकी औलाद फिर भी कुछ सुधरी भी रहेंगी, मगर मैं ये नहीं कह सकता
कि जब तक आपके घरों में ये चीजें हैं, आज हमारे ये जितने सीरियाना है ना, ये सीरियाना हमारे घरों में जब है, मालूम आपको आज हमारे घर बर्बाद ठीक हो रहे हैं। उन सीरियल में देख के घर में आगे देख रहे हैं वो चीज, अब वहां जो चीजा देख रहे हैं सब मेकअप के रहे थे, यहाँ जो देख रहे हैं वो ओरिजिनल रहता, क्या पसंद आएगा बोला। एक साहब तो मेरे पास आके बोले मौलाना मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ। क्या बात है, कल शाम आप तलाक दे रहे हो, बच्ची बदल दी है, कैसा बदले मैं बच्ची कैसा बदले। तो बोले रात में ब्यूटी पार्लर भी लेते थे, सुबह में असली चेहरा आ गया बोलते। तब ब्यूटी पार्लर भी क्या है, ऐसे ऐसे भुखड़े बना दे रहे हैं कि ये सब चीजों से हमारे बच्चियों की सिर्फ और सिर्फ जहनीत खराब हो सकती, इसलिए ये चीजें मत कीजिए। खुदा के वास्ते ये ब्यूटी पार्लरों की चक्कर से छोड़िए, सीधे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे शादी को आसान बताया, हम भी आसान माने और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। पीछे में हजरत बैठे हैं, हजरत के फर्जंद है, तो हजरत के फर्जंद के लिए आपको तकरीर सुनना है, ये तो रिकॉर्डिंग आ गई है, कभी भी सुन सकते हैं आप। के हैदराबाद के ही हूँ, हजरत असल मेहमानों से सुनना आपको चाहिए था और मेहमानों से सुनना है, आज बड़ी मुश्किल से आए हैं। मैंने यकीन मान लिया कि आप तबीयत बहुत नासाज थी, और मगर हजरत के मोहब्बत की वजह से गाड़ी में बैठ के आप तक आया हूँ मैं। वरना मैं तो हमारे बच्चों को बोलते ही आता मैं आज जहाँ माजरत कर लो गई थी, मगर हजरत की मोहब्बत थी। हमारे वाले नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब वादा किए हो तो पूरा करो। वादा की तकमील करने का हमारे अब्बाजान बार बार हमको यानी हुक्म भी देते थे और खुद भी अमल करते थे। हमने अब्बाजान को देखा हमारे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ में भी वो कई मील का सफ़र कर गए, पीछे लेट कर गए 104 बुखार में पीछे के सीट पे लेटे। हम हमारे वाली साहब के साथ गए तो 200-150 किलोमीटर का सफ़र करके वास करें बुखार में, फिर वापस आए। तो वो देखने के बाद हम अपने को तो बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं, इसलिए हमने कहा कि इम्कान ना किया जाए, इसलिए आपके पास हाजिर हो गए और चीता चीता भी बातें अर्ज कर दिया। और आपसे उम्मीद है कि आप सब समझ तो गए होंगे मैं क्या बोलना चाहूँ, समझे नहीं समझे, फिर एक बार और समझे नहीं। एक साहब को बोले खतीब हो, मैं नहीं लिखता हूँ। बोले खतीब दो भाई मेरे, मैं नहीं लिखता। आखिर में सीख में आके बोले खतीब ने क्या सीखती, चीजों ने हरकत आता नहीं, किधर से समझा रहा हूँ। बोले भाई खत लिखने में मुझे इतराज नहीं है, मुझे खत लिखने के बाद पढ़ने भी जाना पड़ता है, इस वजह से लिखूँ कहाँ और पढ़ने जाऊँ कहाँ, इस वजह से मैं लिखता भी नहीं जाता भी। तो अपने पास भी ऐसी आप बोलेंगे मौलाना तफरी समझ में नहीं आए, तो अब तो मौलाना बोला उसके बाद मेरे को खुद आना पड़ेगा। आप मौलाना बोलेंगे बाबा नाने का कितना रास्ता ढूंढ रहे बाबा इधर, तो खैर बहुत मोहब्बत के मौलाना है हमारे ऑनलाइन की उम्र में बरकत है नाजिम साहब की। और ये सही बात की है कि अखलास पर सब काम है, आज मजमा देख के मैंने कहा कि अखलास है, जब अखलास हो तो ना सब काम आसान हो जाता है। और अखलास के काम के अखलास के साथ काम कीजिए, इंशाल्लाह आपके घरों में भी बरकत होगी, आपके बच्चे माशाल्लाह आज कितने बच्चे हाथ में बने हुए, 5 बच्चे भी किए हैं माशाल्लाह, और हाफिज कुरान बंदे निकल रहे हैं जिनके माँ बाप को खुशी हो रही होगी कि आज मेरा बेटा यहाँ ताज पहनेगा या तो अमामा बना जाएगा, और हकीकत में उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके जन्नत में उसको ताज अता फरमाएगा, और वो ताज की रोशनी में अपने माँ बाप को भी बख्शा लेगा और अपने अमल की वजह से अल्लाह और किसको बख्शाने का उसको मौका दे पता नहीं। तो हम मौलाना के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका अता फरमाया, और तबीयत नासाज है आपको महसूस कर रहे जबान के और अमर खड़ा रही है आज, मगर मैंने वादे की तकमील में हाजिरी दे दी और मैं मौलाना का मशहूर हूँ और तमाम यहाँ के जिम्मेदारों का भी मशहूर हूँ
उन्होंने तुम्हें कुछ देर बोलने का मौका था फरमाया। आप हजरात का भी थैंक यू कि आपने मुझे बर्दाश्त किया एक चीज़ है, बर्दाश्त करने वालों को भी थैंक यू बोलना, वरना आजकल थैंक यू तो है ही नहीं। अच्छा थैंक यू सब तरफ है, घर में नहीं है, बीवी पानी पिलाई नो थैंक्स, जो जो हो थैंक यू नहीं, बाहर वाला काड़ी की डब्बी उठा के सुलगा दिया आपके मुंह को तो थैंक यू, मुंह को सुलगाना है मैंने, अब क्या सुलगाना तुम तो अच्छा जानते हैं माशाल्लाह। तो खैर अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मौलाना के तकारीर होंगे और आप हजरात भी सुनेंगे जिससे कि और जगह भी वादा किया हुआ हो तो वादे को तोड़ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। तो दुआ करें कि अल्लाह जिंदगी दे तो सिर्फ अपने काम के लिए, वो जिंदगी मांगना कमाल नहीं है, जिंदगी का इस्तेमाल करना कमाल। अरे राम की उम्र बड़ा आए ना उम्र बड़ा क्या करता है भाव बड़ा थे बोला मियाँ बड़ा तो देंगे फिर उठाने वाला भी मिल रहा तो मेरे को बेबू रहेगा बोले बोला तुम बच्चे को उठाएंगे बच्चा तुमको उठाएगा ही नहीं। हमारे वाले सब की दुआ थी, बहुत प्यारी दुआ फरमाते थे, यार किसी से छीन के मुझको खुशी ना दे, यार किसी से छीन के मुझको खुशी ना दे, जो दूसरों पे बार हो वो जिंदगी ना, दूसरों पे बार वाली जिंदगी नहीं होना, एक दिन की जिंदगी होना, अपन चलते फिरते रहे अल्लाह के सामने झुकते रहे और फिर दुनिया से रुखसत हो गए, ऐसी जिंदगी क्या कि घर वाले बेजार हो जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और इस मदरसे को दिल्ली राज्यों की तरफ अता फरमाए और हमारे को अपने फजल से अपने कर्म से कुरान पाक की तिलावत करने वाला और नमाज की अदायगी में जल्दी करने वाला बनाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।